तो है गाइस, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। तो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं रीमोनेटाइजेशन के बारे में। अगर आपका वीडियो, आपका चैनल में किसी वीडियो के कारण रीयूज कंटेंट आ गया, फिर रीयूज कंटेंट है, अगर आप जानते हो, समझते हो कि नहीं, मेरा जो चैनल है उसमें रीयूज कंटेंट, तो उसे रिमूव करके आप रिअप्लाई करना चाहते हो, ठीक है, रिअप्लाई करना चाहते हो रीमोनेटाइजेशन के लिए, तो इस वीडियो को पूरा देखें, ठीक है, ताकि मैं इसे बताऊंगा कि आपको क्या क्या करना चाहिए रिप्लाई करने से पहले और क्या नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो वीडियो पे बने रहिए और देखिए कि कैसे जो है हम रिप्लाई करते हैं और किन किन बातों का ध्यान रखते हुए। तो आइएगा इस मोबाइल के स्क्रीन पे। तो देखिए, यहाँ पे आज मैं मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई करने वाला हूँ और आप लोग को दिख रहा है, ठीक है, मेरा जो डैशबोर्ड, तो आप देख पा रहे हैं। यहाँ पे हम जाते हैं डॉलर के साइन पे और आज जो है मेरा, आप देख पा रहे हैं, मेरा खुद का कंटेंट मैं खुद ही दूसरा चैनल में अपलोड करते थे, तो उसी के लिए जो है मेरे पास यूज़ कंटेंट आ गया था और मैं अपील भी किया था। लेकिन अपील करने से पहले गाइस, मैंने जो वीडियो पे एडिटिंग किए थे बहुत सारा, डिलीट विलीट कर दिए थे, इसकी वजह से जो है मेरा रिव्यू अपील वीडियो जो है रिजेक्ट हो गया था और बोला था कि फिर से आप ऐसा, फिर वो चेक किया तो उसको लगा कि नहीं, मैं कुछ अपने वीडियो में बहुत सारा मतलब एडिटिंग किया हूँ, यानी कि वो सारी कंटेंट में डिलीट करके उसको अपील भेजा हूँ, उसको मालूम चल गया, इसीलिए मेरा जो है अपील वीडियो रिजेक्ट हो गया। अब जो है गाइस, अब सेकंड जो या आप देख पा रहे थर्ड कंडीशन जो है, थर्ड पॉइंट, तो भले सेकंड था, अब थर्ड हो गया है। तो थर्ड कंडीशन में कहता है कि अब चाहो डिलीट करो, छाटो, एडिट करो, कुछ भी करो, लेकिन आपका यूट्यूब के रिलेटिव सारा कंडीशन में, जैसे कि 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो, 4000 घंटा वॉच टाइम कंप्लीट हो, सेकंड वेरिफिकेशन होना चाहिए, नो कॉपीराइट, नो कॉपीराइट स्ट्राइक होना चाहिए, ठीक है, मतलब कुछ भी नहीं, यानी कि तो आपका यहाँ पे आप देख पा रहे चारों मेरा जो यहाँ पे ये है, ठीक है, आप देख पा रहे यहाँ पे, तो ये हमारा साइन ग्रीन है, तो ये होना चाहिए कंडीशन में, ठीक है, और कॉपीराइट क्लेम एक भी नहीं हो, ठीक है, तब आप अपील कर सकते हैं। और YouTube का रिप्लाई क्या आता है मैं आप लोग को बताऊंगा। इससे पहले आज जो है देख पा रहे हैं, टाइम हो रहा है 9:43 PM, ठीक है, तो आज मैं इसे अप्लाई करूंगा, तो अप्लाई करता हूँ 1, 2, 3। तो गाइस, आप देख पा रहे हैं कि हम अप्लाई कर दिए हैं और यू री अप्लाई इज अंडर रिव्यू। फिर से वो यूट्यूब जो है, यूट्यूब टीम चेक करेगा मेरे इस चैनल को और देखेगा कि कोई कॉपीराइट कलाम है या फिर मैं किसी अदर साइट से डाउनलोड करके पोस्ट किया हूँ, या फिर कहीं से भी, ठीक, अदर साइट से डाउनलोड करके मैं अपलोड किया हूँ कॉपीराइट कंटेंट, वो सारी चीज़ जो है चेक करेंगे, फिर जो हमारे ये मोनेटाइजेशन को एक्सेप्ट करेंगे, ठीक है, यानी कि रिप्लाई को एक्सेप्ट करेगा और हमें मोनेटाइजेशन फिर से देगा। तो गाइस, ये करने से पहले आप पहले अपने सारी वीडियो को याद रखना, ठीक है, अप्लाई करने से पहले हम कर चुके हैं इसीलिए बोल रहे हैं, ठीक है, अप्लाई करने से पहले आपको सारे कंटेंट में, ठीक है, आपके सारे जितने कंटेंट है सब कुछ चेक करना है एक बार, कि कहीं मैं कॉपीराइट कहीं से भी डाउनलोड करके, पहले जब शुरुआत करते थे तब तो ऐसा ही होता था ना, किसी का वीडियो डाल के वैसा क्लिप एक भी ना रहे, ठीक है। और एक चीज़ और एक गाइस ध्यान रखना कि आप अप्लाई करने से पहले आपके चैनल में कोई भी वीडियो प्राइवेट नहीं होना चाहिए, ना ही ऑन लिस्ट होना चाहिए, ठीक है। तो हम देख पा रहे हैं यहाँ पे मेरा सारा जो है वीडियो ऑन लिस्ट रहेगा, लेकिन चलेगा, यूट्यूब देख लेगा, ठीक है, ऑन लिस्ट रहेगा तो वो यूट्यूब सिर्फ देख लेगा आपका वीडियो क्या है, लेकिन प्राइवेट नहीं होना चाहिए, ठीक है, और बहुत सारा वीडियो ऑन लिस्ट में भी नहीं होना चाहिए, मैक्सिमम एक दो, जैसे कि आप प्रोसेसिंग में लगाए हो उस वीडियो को, ठीक है, या फिर आप ही का वीडियो है, कुछ प्राइवेट वीडियो है, खुद का कंटेंट है, ठीक है, आप उसे पब्लिश नहीं करना चाहते हो,
लेकिन अनलिस्ट में रखा करो। आप उसे आप प्राइवेट करके नहीं रख सकते, क्योंकि प्राइवेट रखोगे तो यूट्यूब को भी पता नहीं चलेगा कि आप क्या, वो देखने को जाएगा लेकिन उसको शो भी नहीं करेगा कि आखिर उसमें क्या है। तो इसी वजह से उसको मतलब ज़्यादा टाइम लग जाएगा आपका डिमोनेटाइजेशन करने में। इसीलिए जितना भी आपका सारा वीडियो है, ठीक है, हम चाहेंगे कि आप जो है उसको पब्लिश में रखो, ठीक है। पब्लिश में रखोगे तो जितना जल्दी यूट्यूब देख पाएगा आपका वीडियो, ठीक है, और सिंपल तरीके से सब पब्लिश रहेगा तो वो आसानी से देख लेगा, ठीक है। तो इसीलिए गाइस ये सब कंडीशन ध्यान रखते हुए आपको रिमोनेटाइजेशन करना है, यानी कि अप्लाई करना है, ठीक है। तो आई होप गाइस कि हमारा ये वीडियो आप लोगों को बहुत पसंद आया, तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, बाय बाय।